इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अवैध कब्जा करने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। बड़ी खबर, विधानसभा में भूमि एवं राजस्व मंत्री ने भरोसा दिया है। सीपीआईएम विधायक अजय कुमार के सवाल पर जवाब दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, माफियाओं ने पक्के मकान को गिराएगी सरकार। माले विधायक ने भरोसा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने करारा जवाब दिया, उनके सवालों का जवाब दिया है। माफियाओं के पक्के मकान को गिराएगी सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां अब बुलडोजर बिहार में भी चलने वाला है। यूपी में बुलडोजर चलाया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, लेकिन अब बिहार में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी में सरकार है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीपीआईएम विधायक अजय कुमार के सवाल पर जवाब दिया है, माफियाओं के पक्के मकान को सरकार गिराएगी। रामसूरत राय ने जवाब दिया है सीपीआईएम के विधायक के सवालों का। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अवैध कब्जा करने वालों पर सरकार करेगी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में भूमि एवं राजस्व मंत्री ने दिया भरोसा। सीपीआईएम विधायक अजय कुमार के सवाल का रामसूरत राय ने दिया जवाब। मैंने इनको स्वस्थ किया है, एक नया नियम बना करके, नियम पहले से भी है, लेकिन अभी तक जो इसका मकान तोड़ना है उससे मुआवजा लेकर के तब हम मकान तोड़ेंगे। इसको संशोधन करते हुए मैंने पारित करने वाला हूं कि नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल से एक अभियान चला के पूरे बिहार में जहां भी अतिक्रमण का केस चल रहा है उसको इमीडिएट एक महीने के अंदर उनको मकान को ध्वस्त किया जाएगा, अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। ऐसी बात हमने कही, ध्वस्त किया जाएगा या बुलडोजर चलाया। निश्चित रूप से जो बड़ा मकान होगा उसके लिए बुलडोजर, उसका प्रावधान बना करके मानव बल दे करके मजिस्ट्रेट बहाल करके उनको तोड़वाने का काम किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, अवैध कब्जा करने वालों पर अब सरकार यूपी के तर्ज पर कार्रवाई करने वाली है। जी हां, क्योंकि यूपी में जिस तरह से योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया है, उसी तरह से बिहार में भी अब नीतीश सरकार बुलडोजर चलाने वाली है। माफियाओं के अवैध ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर, माफियाओं के पक्के मकान को भी सरकार गिराने की तैयारी कर रही है। तो अब बिहार में माफियाओं की खैर नहीं।